इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला खजराना थाना क्षेत्र के हिना पैलेस बिलाल मस्जिद के पास मेडिकल से दवा लेने जा रहे एक छात्र पर 3 से 4 बदमाशों ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। घटना के वक्त चाकू छात्र के पेट में ही रह गया, जिसे तत्काल घायल अवस्था में उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कई घंटों के ऑपरेशन के बाद चाकू को पेट से बाहर निकाला। दरअसल मामला देर रात खजराना थाना क्षेत्र के हिना पैलेस बिलाल मस्जिद के पास 11वीं क्लास का छात्र नुमान अपने घर से मेडिकल से दवा लेने निकला था, तभी घर के चौराहे के पास मोहसिन नुमान को चढ़ाने लगा। इस बात पर जब नुमान ने मोहसिन को जवाब दिया तो गुस्से में आए मोहसिन ने अन्य 3 साथियों ने छात्र नुमान से मारपीट कर धारदार चाकू पेट में मारकर भाग गए। घटना के वक्त चाकू छात्र नुमान के पेट में ही रह गया। तत्काल आसपास के लोग घायल छात्र को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कई घंटों के ऑपरेशन के बाद चाकू छात्र नुमान के पेट से निकाला गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये मेरा बेटा है नुमान खान, 17 साल का है, अभी स्कूल ही पढ़ रहा है ये। मेरा नाम मुर्शाद खान है, हिना पैलेस बिलाल मस्जिद के पास में रहते हैं हम लोग। तो एक बार पहले भी इसके ऊपर मोहल्ले गए, खराब लोग हैं वो लोग, उनका काम ही चाकूबाजी करना। ये इनके बाप का नाम तो महमूद है, उसका नाम मुबीन है, एक का नाम मोहसिन है। कुछ भी नहीं भाई, जबरन की दादागिरी। बिलाल मस्जिद के आसपास बैठे रहते हैं वो लोग। आज भी कुछ भी नहीं हुआ था, ये मेडिकल जा रहा था दवाई लेने, उसको रोक के गाली को उपचार करी, इनने मना करा, चाकू लगा दिया उसको। स्कूल 10th पढ़ा, हमने भी 11th का फॉर्म भरा, उन्होंने बाकी वर्क वगैरह कुछ भी नहीं करता। नुमान खान जी, ये 4 लोग थे, 2 के नाम तो मालूम है, 2 अज्ञात हैं, वो मैं नाम नहीं जानता उनका। बिलाल मस्जिद के पास हिना पैलेस खजराना, मुर्शाद खान।